अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, कुछ आज का मैंने क्लिप ऐड किए हैं और कुछ मैंने कल के ऐड किए हैं और बाकी आगे नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू रखूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी वो वाले सारे क्लिप जो आज मैं करूँगी। खैर, मैंने आप लोगों को बताना था, आज मैंने सहरी भी ठीक तरीके से नहीं की क्योंकि मैं पहले 12 बजे तो मैं सो गई थी और उसके बाद मेरी 2 बजे आँख खुली, 1 बजे खुली दरमियान में, क्योंकि बेबी तंग करी जा रहा था। उसकी पता नहीं आज तबीयत ठीक नहीं थी, अजीब सी थी। 1 बजे आँख खुली मेरी, फिर मैं सो गई, फिर मेरी 2 बजे आँख खुली, उसके बाद 2:30 बजे मैं फिर सो गई। मैंने कहा अभी आधा घंटा है और आधे घंटे में मैं 3 बजे उठ जाऊंगी और फिर अपना मतलब किचन में जाऊंगी। तो मैं 3:35 पे उठी और मैंने जल्दी जल्दी से मतलब रोटियां वगैरह बनाई, सालन गरम किया, चाय बनाई और इसी तरह 10 मिनट रह गए थे और फिर इस तरह ना सहरी ठीक तरीके से नहीं हुई और इतनी एनर्जी भी नहीं है और बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। और बाकी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे पिछले व्लॉग में बहुत सारी दुआएं दी, बस इसी तरह मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे अपना फ्यूचर बनाना है और उसके लिए मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाऊंगी अगर आप लोग मेरा साथ इसी तरह देते रहोगे। और इंशाल्लाह आगे मेरी यूट्यूब फैमिली भी बन जाएगी क्योंकि एक एक कतरे से ही दरिया बनता है। और बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बस मुझे इसी तरह मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे आप लोगों के ज़रिए बहुत आगे जाना है। और अब हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इधर मैंने टैंक बना के रख दिया था पहले से ही फ्रिज में क्योंकि मैं कह रही थी तब तक ठंडा हो जाएगा। और दूसरा ये कि फिर बाद में बेबी भी तंग करता है, इसलिए मैं आपको पहले बताया, अपने काम साथ साथ वाइंड अप कर लेती हूँ। इधर मैं बना रही थी, ये मैंने मैदा लिया था और मैं आज बनाना चाह रही थी पापड़ी चना चाट, पर मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि मैंने ये पापड़ी भी नहीं बनाई थी और मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुझसे किचन में खड़ा भी नहीं हुआ गया, टांगों में बहुत शदीद वाली पेन हो गई थी। तो मैंने सिर्फ ये जूस और ये मोहब्बत का शरबत आज मैंने बनाया था, ये बना के फ्रिज में रख दिया था और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। खैर, मैं ये बना रही हूँ, पहले मैंने पानी लिया था और उसमें मैंने चीनी शुगर को मिक्स किया अच्छी तरह। मैंने भी बनाया होगा पर मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। फिर मैंने तरबूज के छोटे छोटे पीस किए और उसमें से जो उसके सीड्स थे वो सारे मैंने निकाल दिए थे क्योंकि फिर बाद में मुंह में आते वो अच्छे नहीं लगते। मतलब हम तरबूज का जूस भी बनाते हैं ना, वो मिल्क शेक, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि मुँह में सीड्स आते हैं। तो मैंने सिर्फ ये मिक्स किया। आप लोग कोशिश करना कि तरबूज के पीस ज़्यादा डालना, बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, इतना टेस्टी बना था। मतलब जब जामे खीरी पी रहे थे ना, साथ जामे खीरी भी डालनी आप लोगों ने, तो ना छोटे छोटे से पीस आ रहे थे और इतना मज़े का लग रहा था। तो मैंने हस्बैंड से भी बोला कि आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे इसको, मोहब्बत के शरबत को, वो भी नाम से इतने हंस रहे थे, कहता ये नेम कैसा। मैंने कहा बस इसका ऐसा ही नेम है, मोहब्बत का शरबत। और खैर, मज़े का बना था और इंशाल्लाह आज मैं फिट बनाऊंगी, पर मुझसे थोड़ी चीनी तेज़ हो गई थी क्योंकि मैंने रोफ़ज़ा भी डाला था, चीनी भी ऐड कर दी थी और फिर तरबूज भी थोड़ा मीठा होता है तो मीठे का आप लोग ख्याल रखिएगा। और इधर ये मैंने मेरी शादी पे मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था ये, और इसे मैं देख रही थी आज तो 25वीं रात थी जागने की, मैं साथ साथ इबादत भी कर रही थी और मैंने क्लिप भी बनाए थे। और प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, मेरे चैनल के लिए दुआ करना और अल्लाह ताला मेरी मेहनत को क्या कहते हैं, आज बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि सहरी ऐसी ही की थी, उसकी वजह से बिल्कुल भी मुझसे नहीं बोला जा रहा। इधर मैंने सूरतुल वाकिया पढ़ी थी, कहते हैं 7 दफ़ा सूरतुल वाकिया पढ़ें तो जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, और तो मैंने ये पढ़ ली थी। इधर बेबी को सुला दिया था साथ ही और साथ में ये शरबत पी रही हूँ। और दूसरा ये कि
मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। खैर, एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हस्बैंड से गर्मी में जाया नहीं गया, तो इसलिए तो इंशाल्लाह फिर कभी मतलब करेंगे नेक्स्ट एनिवर्सरी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इधर मैं अभी सोच रही थी कि आज कद्दू पड़े हैं और साथ चिकन भी होता तो क्या बात थी, और धूप बाहर इतनी है और हस्बैंड भी नहीं जाएंगे। अभी मैं सोच ही रही थी, हमारे नेबर से वो आ गया गोश्त, तो उन्होंने आज तकसीम किया था उन्होंने, तो वो मैं इनका वाव, कभी कभी दुआएं ऐसे अचानक कबूल हो जाती हैं। फिर मैंने वो बॉयल करने के लिए रखा था, बीफ था आई थिंक, और अब मैं ये साथ कद्दू कट कर रही हूँ और मैं ये सालन बनाऊँगी। और बाकी का व्लॉग आप लोग मेरे ने बाकी के वीडियो आप लोग मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, क्योंकि मैं इधर से ही नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। और बस आज का व्लॉग इतना ही है, और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा, और आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्टिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं अपने फैमिली का फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, और बस इसलिए मैं ये यूट्यूब पर भी इसलिए ही आई हूँ, क्योंकि ना कुछ ना करने से मैं कुछ तो कर सकूँ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।